मैं हूं किशोर रजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फजीहत झेलने के बाद अब इमरान खान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक रैली करेंगे। कश्मीर पर चारों ओर मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बालाकोट में आतंकवादियों के ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक से घबराए इमरान खान अब वहीं रैली करने जा रहे हैं जहां आतंकी भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के साथ क्रिकेट के मैदान पर अपनी बदतमीजियों के लिए मशहूर शाहिद आफरीदी भी जाएंगे। शाहिद आफरीदी न सिर्फ पीओके जाकर आतंकवादियों से मदद की गुहार लगाने वाले हैं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद कट्टरपंथी ताकतों के बगल में बैठकर जिहाद की बात भी करने लगे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद बिहार की राजधानी पटना में महंगा चालान काटे जाने से नाराज कुछ लोग पुलिस से भिड़ गए। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस वालों ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। जबकि बीच सड़क पर हो रहे हंगामे की वजह से लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हंगामा बढ़ता देख मौके पर सुरक्षा बल के कई जवानों को बुला लिया गया जिसके बाद पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। जबकि कुछ लोगों को पुलिस वालों ने पकड़कर जबरन वहां खड़ी एक गाड़ी में बिठा दिया। इस दौरान मौके पर हंगामा कर भागने की कोशिश कर रहे लोगों पर भी पुलिस वालों ने लाठियां चलाई। नाराज लोगों ने बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चला रहे एक आदमी की गाड़ी को भी रोक लिया और पुलिस वालों से उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इस दौरान लोगों को शांत करने के लिए पुलिस वालों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। जबकि पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। लोगों को शांत करने के लिए पुलिस वाले जिन गाड़ियों से मौके पर पहुंचे थे लोगों ने उन गाड़ियों को ही घेर लिया और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इसमें अभी आए हैं हमारे पुलिस कर्मचारी जिसके पास सीट बेल्ट नहीं है। जबकि गुस्साए लोगों ने बिना नंबर प्लेट लगाए मौके पर पहुंची पुलिस की एक और गाड़ी को भी घेर लिया और नए ट्रैफिक नियमों के तहत पुलिस की इन गाड़ियों का चालान करने की मांग करने लगे। और चालान नहीं कटा, जांच नहीं हुआ, सीट बेल्ट किसी ने नहीं लगा रखा था। बताया गया कि ये पूरा हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस वालों ने एक महिला की गाड़ी रोक ली और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उसका चालान काट दिया। लेकिन जुर्माने की रकम सुनते ही महिला भड़क गई और पुलिस वालों से बहस करने लगी। हम बोले मेरे पास पैसा नहीं है तो 5000 देना पड़ेगा। जेबरा क्रॉसिंग का चेक किया ना, आप लाइसेंस वापस कीजिए, लाइसेंस लेने का अधिकार नहीं है। महिला का विरोध बढ़ते ही आसपास मौजूद लोगों ने भी पुलिस वालों को घेर लिया और हंगामा बढ़ गया। हालांकि अधिकारियों ने पुलिस की कार्रवाई को जायज ठहराते हुए महिला पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। जेब्रा क्रॉसिंग का और सीट बेल्ट का 6000 वो बताए, उसके बाद पॉल्यूशन नहीं था तो 10000 बताए, इतना ही में वो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दी। चालान पर हंगामे की एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से भी सामने आई जहां गाड़ियों की जांच के दौरान दो पुलिस वालों ने एक लड़के को पीट दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि वो लड़का बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहा था जिसके बाद दोनों पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और फिर बीच सड़क उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। दोनों पुलिस वालों ने पहले बाइक सवार लड़के को सड़क पर गिरा दिया और फिर उस पर लात घूंसे बरसाने लगे। इसके बाद एक पुलिस वाला लड़के के दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, बाद में वो उसके कंधे पर बैठ गया। इस दौरान लड़का पुलिस वालों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा लेकिन मारपीट कर रहे पुलिस वालों पर लड़के की गुहार का कोई असर नहीं हुआ। दोनों पुलिस वाले लड़के को सड़क पर घसीट घसीट कर मारते रहे। इस दौरान बाइक सवार लड़के के साथ एक बच्चा भी नजर आया। मारपीट के बाद जैसे ही लड़का बच्चे के साथ जाने लगा तो पुलिस वालों ने उसे फिर पकड़ लिया और उससे बाइक की चाबी छीनने लगे। वहीं मारपीट की वजह से वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। यूपी के देवरिया जिले में भी होमगार्ड के कुछ जवानों ने एक लड़के की पिटाई कर दी। आरोप है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वहां तैनात होमगार्ड ने लड़के को रोका तो वो उनसे भिड़ गया जिसके बाद हंगामे को देखते हुए होमगार्ड के कुछ और जवान वहां पहुंचे और लड़के को पीटना शुरू कर दिया। लड़के को पीटते हुए होमगार्ड के जवान उसे वहां से लेकर जाने लगे। इसी बीच एक ट्रैफिक पुलिस वाला वहां आ गया और लड़के को होमगार्ड के जवानों से छुड़वाया। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया गया कि इससे पहले जब ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात होमगार्ड के जवानों ने लड़के को रॉन्ग साइड से ई रिक्शा ले जाने पर रोका तो लड़के ने होमगार्ड के एक जवान को थप्पड़ जड़ दिया।
इस घटना के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए लड़के को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान की संसद में संयुक्त अधिवेशन के समय जोरदार हंगामा हुआ। राष्ट्रपति आरिफ अलवी के भाषण के समय पीएम इमरान खान के खिलाफ खूब नारे लगे। संसद की वेन में आकर सांसदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के नेताओं ने इमरान खान के खिलाफ गो नियाजी गो के नारे लगाए। इस बीच महिला सांसदों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। विपक्ष ने इमरान खान की विदेश नीति पर सवाल उठाए और तमाम मंचों पर मिली नाकामयाबी के लिए सरकार को जमकर कोसा। यह अधिवेशन इमरान खान सरकार के एक साल पूरा होने पर बुलाया गया था। प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन पर मशीन लगाई गई। प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन पर एक मशीन लगाई गई, जिसमें प्लास्टिक की पानी की बोतल डालने पर 5 रुपए मिलते हैं। प्लास्टिक बिल्कुल सेफ जा रहा है, रिसाइकल होगा यहाँ से, वो वापस उसमें जाएगा, तो हमारी एनवायरमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज है। पंजाब के बरनाला में एक किसान की मौत के मामले में कर्ज की वजह से खुदकुशी का दावा किया गया, जिसके बाद मामले पर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा, क्योंकि इसी परिवार के 4 और लोगों ने अलग अलग साल में कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद लखनऊ में लाइसेंस बनवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, जिसकी वजह से आवेदन करने वालों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए 2 महीने के भी बाद का वक्त दिया जा रहा है। हमारे ऑफिस में भी लाइसेंस बनवाने वालों की काफी भीड़ हो रही है, 2 महीने तक सारे स्लॉट बुक है। खिलाड़ियों के इनकार के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी अपने क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान दौरे पर विचार करने की सलाह दी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले पर मोहर लगा दी, जिसमें अमेरिका में शरण मांगने वाले लोगों की संख्या घटाने की बात कही गई थी। रजनीकांत की तमिल फिल्म दरबार का नया पोस्टर जारी कर दिया गया। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ऐसे ग्रह की खोज की है जहां जीने के लायक वातावरण हो सकता है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 110 प्रकाश वर्ष दूर K2-18b नाम के ग्रह की खोज की है, जहां पानी की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। उम्मीद है कि वहां का तापमान भी पृथ्वी के तापमान जैसा हो सकता है। रिसर्च के समय वैज्ञानिकों को पृथ्वी जैसे उस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन जैसी गैस होने के संकेत मिले हैं। उन्होंने हबल टेलीस्कोप की मदद से 2 साल की रिसर्च के बाद उम्मीद जताई कि वहां आने वाले समय में जीवन के अनुकूल माहौल हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि लियो तारामंडल में K2-18b नाम का ये ग्रह पृथ्वी की तरह ही एक तारे की परिक्रमा करता है। इंडोनेशिया में सुमात्रा टापू के जंगलों में लगातार लग रही आग की वजह से सिंगापुर और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्मॉग की समस्या बढ़ गई। आग की वजह से सुमात्रा में अब तक करीब 3 लाख लोग सांस लेने में दिक्कत की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब वहां लग रही आग का असर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में दिखने लगा है, जहां कुछ इलाकों में तो दिन के वक्त ही अंधेरा छा गया। लोगों को सड़कों पर चलने के वक्त परेशानी झेलनी पड़ी। कुआलालंपुर की बहुमंजिला इमारतें स्मॉग से घिर गईं। यह हाल वहां दोपहर के वक्त का था। स्मॉग की वजह से उन इमारतों को देख पाना भी मुश्किल हो गया। धुएं की वजह से बच्चों को मास्क लगाकर स्कूल तक जाना पड़ा। कुआलालंपुर और इंडोनेशिया में सुमात्रा के अस्पतालों में सांस लेने में दिक्कत झेलने वाले मरीजों की भरमार लग गई। इनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। आग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इंडोनेशिया सरकार ने सख्त कदम उठाने के आदेश दिए। जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम भी तेज कर दिया गया। राजस्थान के बारा में सेना का एक ट्रक पानी के तेज बहाव में फंसकर पुल के किनारे बने गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद उसमें सवार जवानों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। यह हादसा उस पुल को पार करने के समय हुआ, जिस पर भारी बारिश के बाद पानी का बहाव काफी तेज था, लेकिन ट्रक ड्राइवर को पानी के बहाव का अंदाजा नहीं हुआ और जैसे ही वो पुल को पार करने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही ट्रक पानी में फिसल गया। पुल के किनारे एक गड्ढे में गिर गया। ये देख वहां मौजूद लोग ट्रक में सवार जवानों की मदद के लिए दौड़ पड़े। हालांकि लोगों के पहुंचने से पहले ही ट्रक में सवार एक जवान बाहर निकाल लिया गया और फिर बाकी जवान भी ट्रक से बाहर निकलने और पुल के किनारे पहुंचे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आतंकियों ने भारत में घुसने के लिए एक नई साजिश रची। एक खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि पीओके में छिपे आतंकी अब किशनगंगा नदी के रास्ते कश्मीर में घुसने की तैयारी में। खुफिया जानकारी के मुताबिक गुरेज सेक्टर के दूसरी ओर पीओके में मौजूद लॉन्च पैड पर बड़ी तादाद में आतंकियों का जमावड़ा है, जो मौका मिलते ही छोटी बोट और रबर की ट्यूब की मदद से घुसपैठ कर सकते हैं।
ये जानकारी मिलते ही भारतीय फौज ने किशनगंगा नदी के आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी। इससे पहले 2011 में भी पाकिस्तानी आतंकियों ने नदी के रास्ते कश्मीर में घुसने की कोशिश की थी और तब उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारतीय फौज ने 11 आतंकियों को मार गिराया था। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह जबरन श्रीराम बुलवाने को हिंदू धर्म का अपमान बताया, उन्होंने समाज को इसका विरोध करने की नसीहत भी दी। आपने कहा कि जबरदस्ती किसी से जय श्री राम के नारे लगवाना हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, घोर अपमान। श्री राम को नाम इस प्रकार का जपवाना जबरदस्ती और उस बेटे को उस लड़के को पीट पीट के मरवा देना और मृत्यु के घाट तक पहुंचा देना, ये बहुत ही अपमानजनक है। श्री राम की, श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनका नाम ऐसे कहलवाया जाए, समाज को उठ के इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसी घटनाएं चाहे छुटपुट घटनाएं हों, ऐसी घटनाओं से हिंदू धर्म बदनाम होता है। हमारा तो धर्म बड़ा एक विशाल धर्म है, वेदाहमितम पुरुषम महान्तम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, तो इसलिए इस किस्म की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का ये विरोधात्मक। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद बढ़े हुए जुर्माने का खौफ लोगों में इस कदर बढ़ गया है कि राजस्थान के कोटा में एक आदमी हेलमेट चुराने के लिए मजबूर हो गया। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक बाइक सवार को हेलमेट चुराते हुए देखा गया। पहली नजर में देखने पर तो ऐसा लगा जैसे वो किसी से बात करने के लिए वहां रुका हो, पर बीच बीच में उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। उसकी निगाहें हेलमेट पर टिकी थी जो वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल के हैंडल पर लटका था। उसके साथ में जो बाइक खड़ी दिखी वो उसी आदमी की थी जो मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। बात करते हुए अचानक उसने मोबाइल फोन को जेब में डाल लिया। इसके बाद उसने चारों तरफ घूमकर देखा कि कोई आ तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली हो गई कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, तब उसने हेलमेट पर हाथ साफ कर दिया। इसके बाद उसने बाइक पर लगे बैग में हेलमेट को छिपा दिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। हेलमेट चुराने की इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर भी वायरल हो गया। मोटर व्हीकल एक्ट में किए बदलाव के बाद बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना है।